पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। देखिए, बिहार की राजनीति में भीतर भीतर बहुत कुछ चल रहा है। भाजपा की हालत ठीक नहीं लग रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को पूरा था कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी। सरकार तो बन गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को बार बार अपने फैसलों पर बैकफुट करना पड़ रहा है। उतनी मजबूती से नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी, सहयोगी दल के साथ बनी। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, महागठबंधन का रिवाज है, गठबंधन के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। लेकिन अब चार जगह जो चुनाव होने हैं उनमें सिर्फ दो ही जगहों की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं इसमें इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। दो जगह चुनाव होने हैं, आरएसएस बीजेपी की पूरी कमान आरएसएस के पास है, आरएसएस मीटिंग भी कर रहा है। तो क्या बिहार की राजनीति में आरएसएस के कमान लेने से असर पड़ेगा? दो राज्यों में चुनाव होने हैं, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। देखिए, बाबा लगातार ये बात बोल रहे हैं कि आरएसएस अब अपनी कमान बीजेपी की कमान अपने हाथों में ले लिया है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को आरएसएस अब समझिए तो एक तरीके से एक्शन के लिए वेकअप कॉल देने लगा है। आरएसएस क्या करेगा? आरएसएस तमाम मुद्दों पर बाबा से बात करेंगे। बाबा क्या हो रहा है? अब दो जगह चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसमें भी कुछ हुआ है, कुछ फेरबदल हुआ है, क्या होगा? देखिए, इनफैक्ट चुनाव को चार जगह होने थे और बिहार को लेकर जो भी संशय की स्थिति थी कि क्या इन चार राज्यों में चुनाव होंगे, उसके साथ बिहार में भी होगा, ये सारी बातें अभी चर्चा में चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको पता होगा कि सरकार को लेकर के बैसाखी पे चल रही है। इस बीच में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों को लेकर के भी आपको याद होगा कि मैंने कई बार खबरों में बताया है कि 2024 के चुनाव के अंतिम चरण में जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा, उससे सर्वे रिपोर्ट बताने लगे, जो एग्जिट पोल थे वो जब बताने लगे, अंदेशा लगने लगा और उसके इंटरनल जो सर्वे थे उससे पता चलने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बहुमत में तो नहीं आ रही है, तो उसने आरएसएस का दरवाजा खटखटाया। आखिरी राउंड आरएसएस का दरवाजा खटखटाने में तब तक देर हो चुकी है। आरएसएस ने बहुत सारे इनपुट दिए थे लेकिन उसको किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आपको याद होगा कि मोहन भागवत को भी रोक दिया गया था और इन सारी परिस्थितियों को लेकर के मोहन भागवत ही क्यों, आपको पता होगा कि आरएसएस के जितने भी कैडर लोग थे, जो हिंदुत्ववादी लोग थे, उन सभी लोगों को लगभग रोक दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अपने शासनकाल में जिस तरह से अपना जो काम करने का तरीका बदली थी वो एक अलग बीजेपी नजर आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं और रणनीतियां बनाई जिसमें जो 2014 वाले नरेंद्र मोदी थे वो नजर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ पूरी तरह से आपको पता है कि गुजरात मॉडल चल रहा था, पूरी तरह से जो कब्जा है भारतीय जनता पार्टी को गुजरातियों का ही चल रहा था और बाकी का जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि हमें कब मौका मिलेगा। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी के साथ किस तरह का रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जबकि उनके कैबिनेट के सबसे ज्यादा सफल मंत्री माने जाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक तस्वीर भी देखी थी, उस तस्वीर में वो काफी वायरल भी हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के सदस्यों से और बाकी के लोगों से मिल रहे हैं, वहां नितिन गडकरी भी उस लाइन में खड़े हैं लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा तक नहीं। यानी कि तल्खी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में थी और 2024 के चुनाव से पहले आरएसएस इसी को फोकस कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और उसके थिंक टैंक को ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जो है उनके नाम पर हम बैतरणी पार कर जाएंगे। लेकिन अंत में आपने देखा कि जब फाइनल होने लगा तब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा भी लगने लगा कि बिहार का जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा था, हम लोग बार बार जो बोल रहे थे कि 22 सीट से ज्यादा नहीं आएगा, 22 सीट से ज्यादा नहीं आएगा, और इसकी चर्चा होने के बाद नीतीश कुमार पर टारगेट किया गया कि नीतीश कुमार को अपने पाले में कैसे कर लिया जाए। ये सारी परिस्थितियां तो बनी लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 272 का वो आंकड़ा, मैजिक आंकड़ा जो था वो पूरा नहीं कर पाई, यानी कि बैसाखियों पे वो टिकी हुई है। मैं लगातार पिछले कई दिनों से 52 सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 52 सदस्य हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना बंसी जो है फेंक दिया है और बंसी फेंक करके इंतजार कर रही है कि जरा सभी इधर उधर हो तो बस बंसी खींच लेंगे। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस ने जिस तरह से सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए मजबूर किया है वो एक अलग रास्ता है, जिसमें आरएसएस जब चुनाव समाप्त हो गया और चुनाव से पहले
जो जेपी नड्डा का बयान आया, जेपी नड्डा का बयान आया नहीं, जेपी नड्डा से बयान दिलवाया गया, और ऐसी परिस्थिति में आरएसएस भी नाराज हुई। लेकिन आप जानते हैं कि घर का मालिक जो होता है वो जितना भी आप उसको बुरा बुरा भला कर लीजिए, कह लीजिए कि आप घर पर खाना नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उसको ओवरलैप करके कोई काम कर लीजिए, लेकिन जब जब परिवार को कोई संकट आता है तो मालिक खड़ा होकर के उस परिवार के संकट को दूर करता है। आरएसएस को ऐसा लगने लगा कि ये सरकार 5 साल चलानी होगी और चलाने के लिए क्या करना है। आरएसएस ने अपने हाथ में कमान लिया और राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां से एक नए रूप में शुरू किया। इसी बीच में आपको ये भी मालूम होगा कि अभी जो सी वोटर सर्वे आपके सामने आया, इसकी भी जरूरत नहीं थी, मूड ऑफ द नेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो चुके थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी प्रभावशाली है, उनका बना हुआ अभी भी वो जो सीट उनके पास है उससे अधिक सीट ला सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई। जबकि नरेंद्र मोदी का ऑरा धीरे धीरे करके समाप्त हो गया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को आप बहुत गौर से देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे झोला उठाकर भी चल रहे हैं, बहुत कमजोर पड़े हुए हैं। सदन में भी जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको फुट आउट किया है, मजबूर कर दिया है सदन में नहीं आने के लिए, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। और ऐसी स्थिति में जब पिछले 2 टर्म से जिस राज्य में हरियाणा में बीजेपी की सरकार हो, आप समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी तो लागू होना ही होना है। जब नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ओहरा लेकर के तो उस पर क्यों नहीं लागू होगा। सब कोई नीतीश कुमार तो है नहीं कि कभी इस पाले से कभी उस पाले से चले जाएंगे। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 1 तारीख को चुनाव है, आपको पता है 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकल रहे हैं, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी होना है जहां 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। 2014 के चुनाव में क्या हुआ था सबको पता, 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। और अगर 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वहां 25 सीटें मिली थी और पीडीपी के साथ उसे सरकार बनानी पड़ी थी जिसे 28 सीटें आई। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब वहां का जम्मू कश्मीर का अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, या हम अभी भी पावरफुल है इसको साबित करने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम ने दिल्ली में एक बैठक करके लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट को 2 घंटे में निरस्त करना पड़ा। हम बिहार पर आ रहे हैं, लेकिन पहले आप देश भर की स्थिति समझिए। देश भर में जो स्थिति है वो तो आप समझ ही रही है, बिहार में जो स्थिति आप समझ ही रहे हैं कि बिहार कितना भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में सबसे ज्यादा कहीं विद्रोह हो रहा है तो बिहार। अब आप इसकी बात कर रहे हैं, पहले 44 नामों की लिस्ट जारी की गई थी, उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया। 44 नामों की लिस्ट आई, इसमें बहुत सारे दिग्गज जो थे उनका नाम नहीं था। ये वो लोग थे जो नरेंद्र मोदी के से दूर थे या उनसे अलग आइडियोलॉजी रखते थे, ऐसे लोगों को उससे दूर रखा गया था जैसा कि कहा जा रहा है। और यही कारण है, कुछ तो कारण रहा होगा कि इस लिस्ट को पूरी तरह से निरस्त किया गया। 2 घंटे में लिस्ट दूसरी आई और उसमें 44 नहीं बल्कि 15 लोगों की लिस्ट आई, और इन 15 लोगों की लिस्ट में वो सभी लोग शामिल थे जिन लोगों को छांट दिया गया था। जानकारी ये बताते हैं, सूत्र ये बताते हैं कि ये एक बार फिर से मोदी का बाउंस बैक नहीं बल्कि बैकफुट पे आना है, और बैकफुट पे आना 2 घंटे में आप समझ सकते हैं कि एक और कड़ी नरेंद्र मोदी के पीछे हटने का जुड़ गया। मात्र 2.5 महीने की सरकार में जितनी बार नरेंद्र मोदी पलटी मार चुके हैं उतना पलटी तो 20 साल में नीतीश कुमार को नहीं मारे। लगातार उनकी नीतियों और योजनाओं को पलटी मारने का जरूरत पड़ रहा है या उसे ठंडे बस्ते में डालने की जरूरत पड़ रही है। अब इस पर जितना भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं योजनाओं से तो पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि मैं 52 की जो बात कर रहा था, उस 52 में बिहार का एक बड़ा स्टेट है, बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी को यदि अलग कर दें तो 18 लोग हैं। इन 18 लोगों का नंबर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर ये 18 लोग एक जैसा जगह हो जाए तो बिहार से मात्र 12 बच जाएंगे और 18 लोगों को घटा दीजिए आप उस बाद में से 292 में से। इसके अलावे आप आगे अगर बढ़िएगा तो आप चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए। मैंने आज से 3 दिन पहले एक खबर किया आप लोगों से करवाया था, जो हमारे पास इनपुट आ रहे थे उसके आधार पर रशियन मीडिया का जो वहां पर चंद्रबाबू नायडू की मिली भगत नजर आ रही। कई सिर्फ चंद्रबाबू नायडू से नहीं, ऐसे कई नेताओं से मुलाकात हो रही है और तथाकथित रूप से ये कहा जा रहा है उस मीडिया के द्वारा, जो रशियन मीडिया है उसके द्वारा, स्पुतनिक नाम है उसके द्वारा, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत में सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना चाहता है। तो 52 लोगों की जो बात हम कर रहे हैं जो 40 के बाद शुरू होते हैं, इसमें
वो संख्या 16 लोगों की भी नजर आती है जिसमें टीडीपी से लोग जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे लोग हैं, एक या दो सीट वाले, उन लोगों की स्थिति क्या होगी? अब आप समझ सकती हैं कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है, पूर्ण बहुमत में अपने दल पर, अपने दम पर है चंद्रबाबू नायडू। अब उनके साथ जो इनकी कल्याण, पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना, वो उनके साथ सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री भी हैं वो, तो क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर जहां उप मुख्यमंत्री है वहां रहना पसंद करेंगे? तो निश्चित रूप से बेहतर उनके लिए वही होगा कि वहां उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जब जम्मू कश्मीर में ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को और खास करके जो नरेंद्र मोदी की कोर टीम है उनको बैकफुट पर जाना पड़ता है 2 घंटे में। हरियाणा की भी अगर बात करते हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी डेट बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया है जिन लोगों के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार चला रही है INLD के साथ, वो और BJP दोनों इस बात को लेकर के कि जो डेट रखा गया है 1 अक्टूबर का, उसके पहले और उसके बाद जो छुट्टियां हैं उस वीकेंड की छुट्टियों में खास करके लोग जो हरियाणा के लोग हैं अगल बगल में चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ऐसी स्थिति में वोट प्रतिशत जो है 15-20% घटेगा। यानी कि उनका कहना यह है कि 28 तारीख को शनिवार है, 29 को रविवार है, 30 तारीख बीच में पड़ता है, 31 तारीख को गैप ही रहेगा और 1 तारीख को चुनाव कीजिएगा, 2 अक्टूबर को लोग ऐसे ही गांधी जयंती है, तो ये पूरा सप्ताह जो है डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसा कीजिए कि 1 सप्ताह इस डेट को बढ़ा दिया जाए और तब तक पर्व त्योहार भी खत्म हो जाए। इस बीच में आपको बता रहे हैं कि 31 तारीख को एक और पर्व है जो वहाँ विश्नोई समाज के लोग मनाते हैं। ये सभी परिस्थितियों को जोड़ करके बताया गया है, चुनाव आयोग से आग्रह किया गया है कि आप डेट बढ़ाइए। अब इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि ये भी नरेंद्र मोदी का एक बैकफुट बढ़ाना ही है। तो एक सवाल यहाँ पूछूं, जिस तरीके से नामों में फेरबदल किया गया, क्या एक्सिस के दबाव से किया गया? बिल्कुल, आप समझिए कि लगातार ये चर्चा चल रही है। हमने पहले भी आपको बताया है कि RSS ने 60 दिन का समय दिया है भारतीय जनता पार्टी के उस कोर मैनेजमेंट टीम को कि 60 दिन के अंदर में आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, या तो आप जो जहां हैं दिखाइए कि आप सरकार को अच्छी तरह से चला लेंगे, सबके साथ सामंजस्य आपका बैठा हुआ है, और जो वर्तमान परिस्थिति है 272 आपके इधर उधर नहीं हो रहे हैं, यानी नीतीश कुमार आपके साथ हैं, चिराग पासवान आपके साथ हैं, जीतन राम मांझी आपके साथ हैं और चंद्रबाबू नायडू आपके साथ हैं, ये कम से कम 4 लोग आपके साथ होने चाहिए। बिहार में अगर नीतीश कुमार गेम कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि लगातार वो अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं, कभी चिराग पासवान से, चिराग पासवान जब झारखंड जाते हैं अपनी कार्यकारिणी की बैठक करने उससे पहले मिल करके जाते हैं, चिराग पासवान आने के बाद मिलने का समय मांगते हैं, उनके जाने से पहले वहाँ अशोक चौधरी रहते हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, अशोक चौधरी को झारखंड का प्रभारी बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि RSS ने जो अपने हाथ में कमान लिया है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में 2014 में जो 25 सीटें आई थी उससे ऊपर जाने की स्थिति है, क्योंकि इन सालों में आपने देखा होगा कि जो वहाँ शासन था वो राज्यपाल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ही कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में उसको बेहतर रिजल्ट वहाँ लाना चाहिए और उसके लिए वहाँ के जो लोकल उसके नेता हैं उनको आपको गुडफेथ में रखना पड़ेगा, वहाँ आपको सारी दुनिया बुलानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने योगी आदित्यनाथ को चुनाव से दूर रखा उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, आप 50% सीट हार गए अपनी जीती हुई सीट। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि दो राज्यों में जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के इसके जो असर हैं वो बिहार पे भी पड़ने हैं, क्योंकि बिहार भी इंतजार कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था, आपको याद होगा कि एक खबर मैंने किया है कि 4 अक्टूबर के बाद इस देश की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है, भाजपा को अपनी औकात पता चलेगी और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी एक बड़ा चीज मिलेगा, और ये बदली हुई सारी परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को पदच्युत करने के लिए, उसको गिराने के लिए तैयारियां की जा रही है, इससे भी इनकार आप नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी हमने एक खबर किया था, हम आपको बस उसका एक पॉइंट खाली बता देते हैं कि नीतीश कुमार जब सरकार बनी शपथ ग्रहण किया उसके बाद से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी और दिल्ली से भी दूरी बनाया है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए, उसको भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, दवाई पर खाली काम चला रहे हैं, डॉक्टर से मिलने का काम। तब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है,
और ये जो चुनाव होने वाले हैं एक महीने का जो समय है सितंबर पूरा तो 4 तारीख को भाजपा को पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। इसी कारण से दो जगह का चुनाव नहीं रोका गया। देखिए दो जगह का चुनाव उसमें बता तो रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से कुछ अपना सोचा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 90-90 सीटों का दोनों जगह चुनाव है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा सीट है जिससे लेकर के उसको चुनाव नहीं करना है। झारखंड का करा तो झारखंड में 81 सीटें हैं सिर्फ। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 244 सीट है। सिर्फ एक ही ऐसी बात है जिसमें आप समझिए फिर 15-20 दिन के बाद आपको चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि नवंबर में ही समाप्त हो रहा है। आप 4 अक्टूबर को अगर चुनाव समाप्त कर देते हैं तो उसके बाद तुरंत आपको घोषणा करना पड़ेगा महाराष्ट्र के लिए। उसके अलग मानते हैं कि महाराष्ट्र का अलग करना चाहिए, महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है वो आपको अच्छी तरह से पता है। झारखंड में क्या होने जा रहा है ये आपको पहले से पता है। चिराग पासवान वहाँ डेरा डाल दिए हैं, वहाँ नीतीश कुमार डेरा डाले हुए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है वो मेरा है, वहाँ हम लड़ेंगे चुनाव। यानी कि 5 सीट वो मांग रहे हैं झारखंड में। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान थिंक टैंक है वो परेशान जरूर है, लेकिन आरएसएस के हाथ में आने के बाद नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, उनका चेहरा है, उनका जो एक कहा जा रहा है कि लोगों में अट्रैक्शन है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आरएसएस आगे आई है, आरएसएस आगे आकर के इस पर अपना कमान लेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो तय है कि 2 घंटे में जब आपके मंतव्य बदलते हों, आपकी लिस्ट बदलती हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कहीं तो फंसे हुए हैं आप, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब बीजेपी की स्टेयरिंग आरएसएस के हाथ में, कौन ड्राइवर होगा, क्या होगा, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। और आरएसएस का फैसला जम्मू कश्मीर में बिहार में क्या उजाल लाता है, इस पर भी बाबा ने हमसे चर्चा की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।